नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे बेसिक शेप के बारे में और आज भी बेसिक शेप को कंप्लीट करेंगे। तो बेसिक शेप में अगला ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाता है बेसिक शेप, इंपैक्ट के बाद बेसिक शेप। तो जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी बार में, इसके रिलेटेड जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें से जो आपको यूज में लेना हो ले सकते हैं। चलो कुछ इसका यूज करके कुछ डिजाइन बनाया जाए। ठीक है, वैसे तो सिंपली आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, और केवल इंसर्ट ना करते हुए आप अगर कुछ डिजाइन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अगर इस प्लस को आप अपने अनुसार से एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट से एडजस्ट कर सकते हैं। शेप टूल सेट करेंगे और ये जो रेड पॉइंट है इसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कम करते हैं तो ये नॉर्मल हो जाता है, और बाहर की साइड लाते हैं तो बोल्ड हो जाता है, बिल्कुल बाहर की साइड लाते हैं तो ये स्क्वायर भी हो जाता है। कम किया, जितना बोल्ड चाहिए आप इसको रख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें और भी शेप हैं, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ स्माइली, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसी प्रकार से इसको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें भी रेड पॉइंट आपको मिल जाता है, इसको तिरछा कर सकते हैं या ऊपर की साइड कर सकते हैं। चले अब एक डिजाइन अगर करना है तो कर भी सकते हैं डिजाइन वैसे। बेसिक शेप सेलेक्ट किया और यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं ये टर्न पेपर। यहाँ पर जो आपको एक सर्कल मिल जाता है इसी का यूज करके हम डिजाइन बनाने वाले हैं, तो इसको सिलेक्ट करें। वैसे इसका यूज करके नहीं बनाते, इसको छोड़ते हैं हम। अगला टूल्स आपको इसमें मिल जाता है एरो। एरो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर आपको खूब सारे तरीके से एरो देखने को मिल जाता है, और एरो आप खुद का भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर खुद से भी बनाना चाहें तो आसानी के साथ बना सकते हैं। वैसे यहाँ से आप सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, और खुद से एरो बनाना चाहते हैं तो टूल्स में जाएं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। रेक्टेंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे उसको हम कंट्रोल के साथ ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्क्वायर में, फिर इसको हम रोटेट कर देंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस रोटेशन हैंडल से इसको मैं रोटेट करता हूँ। कंट्रोल क्यू से कर्व करेंगे या फिर प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर्व कर लेंगे। शेप टूल का इस्तेमाल करके इस पर डबल क्लिक करेंगे, नोड हो जाता है डिलीट। इसकी साइज थोड़ी सी कम कर लेते हैं और यहाँ पर लाके एडजस्ट करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में वेल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी आप एरो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और यहाँ से आपको बाय डिफॉल्ट एरो देखने को मिले जाता है। आप यहां से एडजस्ट करना चाहे तो यहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं, और स्वयं का एरो बनाना चाहे तो आप स्वयं का भी बना सकते हैं। ये ज्यादा ही आसान रहेगा, स्वयं का बनाने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है इसमें, यहाँ पर कुछ शेप मिल जाते हैं, इसमें भी काफी अच्छे अच्छे शेप हैं, इसको आप अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। चलो इसी का हम यूज करके एक डिजाइन बना लेते हैं। तो इसका यूज करके हम एक कवर डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, तो टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, पेज की साइज में लेटर कर लेता हूं, और यहां से करते हैं लैंडस्केप। टूल्स में जाएंगे, रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेते हैं। ये 18x23 की साइज है। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ साइज की 5.5, और टूल्स में जाएंगे और यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं फ्लो चार्ट, और इसमें आपको मिल जाता है ये पहला ऑप्शन, यहाँ इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये जो कर्व यहाँ देखने को मिलता है इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद अब इसको आप और एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें पॉइंट्स तो नहीं मिल रहा है फिलहाल, एडजस्ट करने का पॉइंट नहीं मिल पा रहा है। वैसे इतना कर्व आपको मिल जाता है,
इसको अगर टॉप और बॉटम से खींचते हैं तो थोड़ा सा ये डिजाइन और आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। इसको मैं चेंज करता हूं और यहां से दूसरा सेम इसी में आपको दूसरा भी मिल जाता है यहां पर कर्व, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। इसका यूज करके मैंने कई बार डिजाइन बनाया भी है और यूट्यूब पर भी सिखाया है, यहां पर भी सिखा देते हैं। फ्लो चार्ट इसको सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके का आप डिजाइन बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, बस आपको सिंपली इंसर्ट कर लेना है और टॉप में आप नेम लिखेंगे। जैसे मान लो स्कूल की डायरी आप बना रहे हैं तो टॉप में आप नेम लिखेंगे और ये जो डिजाइन बन रहा है इसमें आप बिल्डिंग की फोटो सेट कर देंगे। लेकिन उससे पहले इसमें आप कुछ और डिजाइन कर लें, जैसे कि इसको रोटेट करके इस तरीके से, या फिर इस पर क्लिक करें इस एरो से टॉप साइड में, इसको ड्रैग करेंगे राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे, डुप्लीकेट हो जाता है। अब डुप्लीकेट करने के बाद ये जो पार्ट बन रहा है इसको हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी क्या, जैसे आप स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे और इस पर अप्लाई करेंगे इतना डिजाइन आपको मिल जाता है, फिर इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है। फिर इसको अगर बॉटम साइड में तिरछा करना चाहते हैं तो तिरछा कर लें और इस पार्ट को भी फिल कर लें। ठीक है, आवाज म्यूट कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने स्मार्ट फिल टूल का यूज कर दिया। अब इसमें जो भी कलर फिल करना चाहे अपने अनुसार कलर फिल कर लें। मैं इसमें रेड कलर फिल करता हूँ और कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे। अगर किसी कलर को आपको ग्रेडियंट बनाना हो तो पहले आप इसको सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और फिर प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है फंक्शन फिल का ऑप्शन। यही ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है जिसका नाम है इंटरेक्टिव फिल टूल, शॉर्टकट जी है। अब मैं इसे बाहर की साइड ड्रैग करता हूँ, नहीं राइट साइड में ड्रैग करते हैं और यहाँ पर मैं कलर थोड़ा सा इसे डार्क कर लेता हूँ। तो कलर पैलेट में जाएंगे, रेड कलर पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे, कलर का कलेक्शन ओपन हो जाता है, फिर यहाँ से डार्क कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको किसी कलर का डार्क शेड निकालना है तो उस कलर पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये कलर का कलेक्शन ओपन हो जाता है। फिर यहां से जो भी कलर आपको लाइट डार्क पसंद है उसको यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डार्क कलर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये जो पार्ट है इसमें हम सेट करेंगे स्कूल की बिल्डिंग, और ये जो हमारे पास डिजाइन है इसमें हम थोड़ा सा इसे डिफरेंट कलर फिल कर देते हैं, लेकिन हम इसी से रिलेटेड फिल करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो जो रेड से रिलेटेड कलर है वो यहाँ पर जैसे कि ऑरेंज लगा सकते हैं या फिर येल्लो लगा सकते हैं, लेकिन अगर येल्लो थोड़ा सा डार्क होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर आप इस येल्लो को डार्क करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से जी प्रेस करें और इसमें आप मैजेंटा बढ़ा दें, तो मैजेंटा इसमें मैं 40% कर लेता हूँ, या फिर थोड़ा सा और कम रखते हैं 30 कर लेते हैं। फिर इसी का मैं एक डुप्लीकेट और कर देता हूँ और इसमें हम ऑरेंज फिल कर देते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है तो आप क्या करें, इसमें मैं व्हाइट कलर फिल कर देता हूँ। टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली ट्रांसपेरेंट कर देते हैं राइट साइड से। तो ट्रांसपेरेंट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इसका डिजाइन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इस डिजाइन को हम ये जो येलो वाला डिजाइन है इसी में कर देंगे पावर क्लिप। पावर क्लिप क्या होता है, जैसे कि अगर आपने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, मान लो ये रेक्टेंगल है आपका और इसमें आप कोई फोटो सेट करना चाहते हैं, जैसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ तो कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और एक फोटो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फोटो मैंने इंसर्ट कर लिया। अब फोटो की साइज बड़ी है, फोटो की साइज ये पावर क्लिप बता रहे हैं, जैसे कि पावर क्लिप करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे पावर क्लिप इनसाइड,
तो ये है पावर क्लिप। अगर आप चाहते हैं कि इसी रेक्टेंगल के अंदर हमारा मैटर सेट हो जाए तो आप पावर क्लिप का इस्तेमाल करेंगे। इसको बाद में भी आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका जो पावर क्लिप है वो ओपन हो जाता है। अब अपने अनुसार इसको सेट कर लें। सेट करने के बाद कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करेंगे तो ये पावर क्लिप फिनिश भी हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका फोटो यहाँ पर मिल जाता है, सेम जैसे था वैसे आपको मिल जाता है। लेकिन ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल से फोटो बाहर नहीं जाएगा जब आप पावर क्लिक कर लेंगे। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये जो मेरा डिजाइन है इसको हम कर देते हैं इस वाले डिजाइन में पावर क्लिप, ताकि ये जो बाहर आ रहा है ये बाहर ना आए। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिजाइन बनाया। उसके बाद इसी प्रकार से मैं टॉप साइड में यहाँ पर भी सेट कर लेता हूँ कलर। तो इसी कलर को हम कॉपी करके यहाँ पर सेट कर लेते हैं। कलर कॉपी करने के लिए आप यहाँ पर फंक्शन फिल मिल जाता है, फंक्शन फिल से आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट की प्रेस करेंगे और माउस राइट बटन क्लिक करते हुए ड्रैग करके लाके इसमें छोड़ देंगे तो भी कलर कॉपी हो जाता है इस तरीके से, ठीक। उसके बाद अगर इसमें कुछ डिजाइन और देना चाहते हैं तो फिर से इसका डुप्लीकेट कर लें, और इस बार मैं इसका कलर व्हाइट कर लेता हूँ। कंट्रोल के साथ करते हैं पेज डाउन, ठीक है। सेलेक्ट करें, आउटलाइन नन कर देते हैं, और इसको मैं और बॉटम साइड में ले आता हूं। इसकी साइज तिरछी सीधी अगर करनी है तो बाद में भी कर सकते हैं। अब मैं एक स्कूल बिल्डिंग इंसर्ट करता हूं, तो नेट से मैं स्कूल बिल्डिंग ले आता हूं, ठीक है। स्कूल बिल्डिंग यहां से हम इसको करते हैं कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी किया और कोरल ड्रॉ में आ गए, यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया। बिल्डिंग पेस्ट करने के बाद अब इसको हम इस वाले डिजाइन में कर देते हैं पावर क्लिप। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। पावर क्लिप इनसाइड करने के बाद यहाँ पर ये जो कलर है ये कंप्लीट नहीं आ रहा है, तो मैं इस कलर को कॉपी कर देता हूं। अब कलर कॉपी करने के लिए टूल्स में जाएंगे, यहां पर आपको एक टूल्स मिल जाता है कलर आई ड्रॉपर टूल, इसको सेट करेंगे और सिंपली जहां से भी आपको कलर पिक करना है वहां पर क्लिक करेंगे और सिंपली अप्लाई कर देंगे। इसका कलर मैं कर देता हूं CMYK, क्योंकि ये जो कॉपी हुआ है CMYK ही कॉपी हुआ है, तो जैसे आप CMYK करेंगे ये मैच कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सेट कर लिया है स्कूल बिल्डिंग। अब इसमें आप नेम टाइप करेंगे, ठीक है। तो टाइप कर लेंगे, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट है फेट, और स्कूल का नाम लिखेंगे जो भी आपको, जब किसी स्कूल का डिजाइन डाल रहे हैं तो स्कूल का नाम लिखेंगे ही, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख लेते हैं स्कूल नेम। अब साइज बड़ी कर देते हैं और इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। फॉन्ट चेंज करना चाहें तो आप फॉन्ट भी चेंज कर लें, जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे उसका सिलेक्शन करें, और एड्रेस का जो फॉन्ट रहेगा वो तो सिंपल ही रहेगा, और बाकी स्कूल के नेम का फॉन्ट चेंज हो सकता है, अच्छा रहे। और यहाँ पर हम एरियल कर देते हैं एड्रेस जो है। यानी आपको कर्व डिजाइन बनाना हो तो यहाँ पर जो शेप मिलते हैं उसका यूज आप कर सकते हैं। वैसे इस तरीके से कर्व तो आप लाइन का यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस कर्व का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही जल्द और आसानी के साथ बना सकते हैं। अब इसका मैं डुप्लीकेट करता हूं और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं स्कूल डायरी। तो एक बार फिर से एफएट प्रेस सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ऐसे, स्कूल DIR डायरी, सही।
स्कूल डायरी मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है। फॉन्ट इसका हम स्टाइलस रख देंगे, तो जो भी आपके पीसी में स्टाइलस फॉन्ट हो उसका यूज करेंगे, ठीक है। अब चाहें तो स्कूल छोटी रखें डायरी की साइज, यहाँ से आप कट करके बड़े भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया, अब इसको डायरी की साइज में कर देता हूँ बड़े, ठीक है। और इसको यहाँ भी सेट कर सकते हैं करना चाहें तो, और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लें। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एक साथ, साइज में छोटी कर लेता हूँ। अब इसी का डुप्लीकेट करेंगे बैक साइड में। ध्यान रहे कि जो आप बुक कवर डिजाइन करते हैं उसका जो पहला पेज होता है वो हमेशा राइट साइड में होता है, और जो लास्ट पेज होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। अब मैं इसका डुप्लीकेट, हेलो, 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 जी सर, हाँ, अरे सभी को समझ में आ गया, जी सर, नहीं तो हम ऐसे कथा बांचते हुए चले जाएंगे तो फिर पता नहीं चलेगा, ठीक है। जी हाँ, अब इसका अगर आप बुक कवर डिजाइन कर रहे हो तो इसका डुप्लीकेट बैक साइड में करेंगे, बिल्कुल अटैच। तो आप अगर अटैच डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए राइट साइड में ड्रैग करें या फिर लेफ्ट साइड में ड्रैग करें, राइट बटन क्लिक करके छोड़ दें, डुप्लीकेट हो जाता है। और फिर बैक और फ्रंट में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, तो मैं इस डिजाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और बैक साइड का चाहे तो आप इतना डिजाइन ले लें। और कलर जो है आप इसमें येल्लो भी रख सकते हैं, चाहे तो येल्लो भी रख सकते हैं। इसको सेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट जो है रेड का रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि इसे मैच करता हुआ ये डिजाइन रहे, ठीक है ना। तो डुप्लीकेट करके मैंने कलर यहाँ कॉपी कर लिया है, अब हम इसमें फोटो सेट करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो जितना डिजाइन है ये बिल्कुल सही है, इसका कलर व्हाइट ही अच्छा है। उसके बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और इसमें हम फिल कर लेते हैं व्हाइट कलर, फिर इसी का डुप्लीकेट कर लेंगे। तो एक डुप्लीकेट करेंगे और फिर कंट्रोल आर का प्रयोग करके हम रिपीट कर देते हैं। रिपीट करने के बाद अब इन सभी को हमें सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं बाहर से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करता हूं, अगर इसमें कोई टेक्स्ट होगा तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, नहीं सेलेक्ट हुआ है। सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका यह है कि आप पूरा ड्रैग करके ना सिलेक्ट रखते हुए चाहे तो आप टॉप साइड में केवल इतना सिलेक्शन बनाए तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर मैं सिलेक्शन बना रहा हूं, सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, अल्ट की प्रेस करेंगे और सेम सिलेक्शन बनाएंगे। जब आप अल्ट की प्रेस करके सिलेक्शन बनाते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर चाहे लाइन अगर चली भी जाती है तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद इसके आउटलाइन को मैं रन करता हूं, और टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे, यहां से कर देते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। जैसे आपने यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी किया है आपको इस तरीके का डिजाइन देखने को मिल जाता है, यहां से आप कर सकते हैं लाइट और डार्क। उसके बाद इस डिजाइन को हम इसमें करेंगे पावर क्लिक, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। तो इस तरीके का डिजाइन मिल जाता है। अब अगर बैक साइड में आपको फोटो सेट करना है, जैसे कि बच्चों का फोटो हो गया, तो उसके लिए आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसके कॉर्नर को मैं राउंड कर देता हूं, तो टूल्स में जाए, शेप टूल सेट करें, सिंपली कॉर्नर राउंड कर दें, और इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसमें हम 8 फोटो सेट करेंगे, तो यहां पर आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, और बॉटम साइड में चाहें तो आप एड्रेस और स्कूल का नेम जो है एक बार फिर से यहां पर सेट कर सकते हैं।
यहाँ पर एक बार फिर से छोटे से सेट कर सकते हैं। अब जब आप एक डिजाइन बना लेते हैं तो फिर उसका कलर जो है चेंज करना बिल्कुल आसान हो जाता है। एक डिजाइन मान लो आपने बना लिया, अब ये पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरा डिजाइन बनाने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, चाहे तो यहाँ से आप कलर कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये जो बिल्डिंग है इसमें ग्रीन से रिलेटेड अगर रखना चाहें आप, तो टूल्स में जाएंगे, कलर आई ड्रॉपर टूल सेट करेंगे, सिंपली कलर यहाँ से पिक कर लेते हैं और इसमें अप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके का एक डिजाइन देखने को मिल जाता है। फिर से अगर आप डार्क रखना चाहते हैं तो डार्क कलर यहाँ से सिलेक्ट करें, अप्लाई कर दें, यह भी एक डिजाइन बन तैयार हो जाता है। और वैसे ये जो कलर है मैच ही कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो येलो वाले डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इसका कलर भी चेंज कर दें, ठीक है, थोड़ा सा और डार्क रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, रेड रख सकते हैं। अगर आप डार्क ग्रीन रखते हैं तो भी देखते हैं कैसा लगता है, वैसे ग्रीन उसी में मैच कर जा रहा है एक जैसा, थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे। तो मैं यहाँ पर सयान कलर फिल कर देता हूँ, उसके बाद कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे या फिर जाएंगे टूल्स में, यहाँ पर आपको मिलता है इंटरेक्टिव फिल टूल, और ड्रैग करेंगे यहाँ से कलर फिल कर लेते हैं। अब ये सेम को मैं कॉपी कर देता हूँ, जहां पर कंट्रोल आर का प्रयोग करके जैसे सो सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो कलर कॉपी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, पहले वाला ही कलर ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, या फिर रेड देखते हैं, रेड भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर येलो से रिलेटेड ज्यादा बेहतर लग रहा है, फिलहाल अगर आप ऑरेंज भी रखते हैं तो भी चल चल सकता है, इस तरीके का ये ज्यादा बेहतर लग रहा है हमें। हेलो हेलो, जी सर। हाँ, तो इस तरीके से शेप का यूज करके डिजाइन भी बना सकते हैं और जो लाइन आपको मिल जाता है यहाँ से भी डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन अगर शेप का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा बेहतर आसानी से बना सकते हैं। आपको यहाँ कर्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपने एक लाइन ड्रॉ किया फिर उसको कर्व किया, इस तरीके से भी बना सकते हैं और डबल क्लिक करके नोड ऐड करेंगे और भी यहाँ पर डिजाइन तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो इसी प्रकार तो ये होगा टूल्स हो गया ये कंप्लीट। अब हम अगला टूल्स देखेंगे जो यहाँ पर आपको मिल जाता है, अगला मिल जाता है बैनर शेप, ठीक है। तो बैनर शेप में आपको यहाँ पर फिर वही ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर रिबन आपको मिल जाता है, तो मैं यहाँ से एक रिबन इंसर्ट करता हूँ। रिबन इंसर्ट करने के बाद अब इसमें जो भी कलर रखना चाहें कलर रख सकते हैं और अपने अनुसार इसको एडजस्ट करेंगे, ये रेड पॉइंट से एडजस्ट करेंगे और फिर ये ब्लू पॉइंट इसकी वेड यहां से एडजस्ट करेंगे, ठीक है, इसकी वेड जो है इसको एडजस्ट करेंगे। आवाज म्यूट कर लीजिए। तो यहां से आप इसकी वेट को एडजस्ट कर सकते हैं येलो पॉइंट से और रेड पॉइंट से आप इसकी साइज मेंटेन कर सकते हैं। चलो, ये भी कंप्लीट हुआ, अब इसको आप सभी लोग ट्राई कर लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं, बस बाय डिफॉल्ट है तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला इसी प्रकार से क्लाउड शेप मिल जाता है, तो जैसे आप सेलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ पर आपको शेप मिल जाते हैं इस तरीके का शेप, इसको बना भी सकते हैं आसानी के साथ बनाना चाहें तो, और यहाँ से इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, और इस पॉइंट्स को अगर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहां भी करना हो तो शेप टूल का इस्तेमाल करके इस तरीके से ला ले जा सकते हैं, ठीक है, जहां भी रखना चाहें वहां पर रख सकते हैं, साइज भी छोटी बड़ी कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लाउड शेप का, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इंसर्ट कर लेते हैं। क्लाउड शेप और फिर सेव टूल का इस्तेमाल करके इस पॉइंट से आप इसको मैनेज कर सकते हैं जहां भी रखना चाहें। तो इस तरीके से ये सारा जो ऑप्शन है कंप्लीट हो जाता है और इन सभी की आप प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से काफी अच्छे अच्छे डिजाइन भी आप बना सकते हैं इन सभी टूल्स का यूज करके। ठीक है, तो आपका ये आपका टूल्स यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है लगभग। पिक टूल ये सब सारे हो गए, शेप टूल में आपको ये सब हो ही गया, जूम टूल हैंड टूल हो गया, लाइन के टूल हो ही गए। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल, एलिप्स टूल, बैनर शेप और टेक्स्ट ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद हम सब देख लेते हैं ये कुछ लाइन है, इसको आप ट्राई करके देख लीजिएगा और कुछ हम भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक डिजाइन बनाया। ठीक है, अब अगर आपको डिजाइन की साइज देखनी हो या फिर लिखनी हो तो उसके लिए यहां से आप इंसर्ट कर लेते हैं पार्लर डायमेंशन। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और जहां से भी आपको साइज लेना हो वहां पर क्लिक करें। तो मैं एंड पॉइंट पर क्लिक करता हूं, होम और एंड बन जाते हैं और फिर इसको मैं इंसर्ट करता हूं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं माउस लेफ्ट बटन, ये हो जाता है इंसर्ट और इसकी साइज भी यहां पर आपको मिल जाता है, आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसकी साइज देखते हैं तो आपको कितने एमएम में मिल जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं 279.4 एमएम और जो आपने यहां पर साइज लिया है वो भी सेम वही आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं यहां से और दूसरा यहां तक ही केवल नापता हूं तो यहाँ की साइज इतना बता देता है। यानी आपको किसी जैसे मान लो जब आप पैकेजिंग डिजाइन करेंगे तो वहां पर आपको साइज लिखकर देना होगा, जैसे कस्टमर कोई बनवाता है तो फिर देखेगा कि हाँ इसकी साइज कितनी है कितनी नहीं है, तो वहां पर आप इस तरीके से लिख के उसको दे सकते हैं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे आप इंसर्ट करते हैं ये ऑलरेडी आपको लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसी में अगला ऑप्शन आपको हॉरिजॉन्टल मिल जाता है, तो यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल साइज ले सकते हैं। ये अभी तक आपने वर्टिकल ले रहा था, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल जैसे छोड़ेंगे इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन ये दोनों है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है, चाहे हॉरिजॉन्टल ले जाए या फिर वर्टिकल ले जाए। इसी प्रकार से अगला जो ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर एंगुलर डायमेंशन है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो आप कोई कोण बनाते हैं तो उसकी साइज नापने के लिए है, जैसे मैं यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बना देता हूं। यहाँ पर मैंने इसको बनाया और अब इसकी अगर साइज आपको लेनी हो, इसकी साइज कितनी है, जैसे कि इसको मैं कट भी कर देता हूँ यहाँ से, ये जो मैंने यहाँ पर येलो फिल किया इसकी साइज अगर आपको लेनी हो तो उसके लिए जाएंगे और यहाँ से एंगुलर डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे इसको। ये तो हो गया मिस्टेक, यहां पर नहीं क्लिक करेंगे। एक क्लिक मैं यहां करता हूं, दूसरा क्लिक यहां, अब सिंपली इसको करते हैं इंसर्ट।
इस तरीके से शायद देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक ये हो रहा है कि जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ करेंगे। जैसे परफेक्ट का मतलब ये है कि जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये बराबर बराबर भाग में होना चाहिए। अब ये बराबर भाग में है, अब मैं बाकी का जो रेक्टेंगल है उसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये बराबर है और पहले जो थोड़ा सा कम था इस तरीके से। अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं, फिर यहां से और इंसर्ट करते हैं। तो जब अब इंसर्ट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। चाहे इसकी साइज ना पे इतनी साइज आपको मिल जाता है 90 डिग्री। ये कोण नापने के काम आएगा कि कितने अंश का कोण आप बनाना चाहते हैं। अब ये 160 अंश का कोण बन जाएगा इस तरीके से। जैसे कि अगर आप मैथ का काम करते हैं तो वहां पर ये काफी यूजफुल रहेगा। 15 डिग्री। चलिए इसी में अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर, पॉइंट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे कोई मैटर आपने डिजाइन किया, मान लो यहाँ पर हम डिजाइन किए। अब हमको बिल्डिंग के बारे में कुछ लिखना है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट को, 3 पॉइंट को, और यहाँ पर हम लिख देते हैं। चाहे तो और भी पॉइंट बना सकते हैं बनाना चाहे तो, या फिर यहीं पर क्लिक कर दें और फिर इसके बारे में कुछ हमें लिखना है तो यहाँ पर लिख दें। जैसे कि स्कूल बिल्डिंग लिखना हो या फिर अदर कुछ मैटर लिखना हो। फिर से कुछ लिखना है, जैसे नेम के बारे में कुछ लिखना है तो इस प्रकार से लिखने का काम कर सकते हैं। अगर वैसे आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहां पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको अलग से फिर से टेक्स्ट टूल सेट करना होगा। अगर आपने लाइन ड्रॉ किया फिर से टेक्स्ट टूल सेट किया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट दोबारा सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको टेक्स्ट मिल जाता है और लाइन के सेंटर में भी आ जाता है जैसे आप टाइपिंग करते हैं। हेलो हेलो। जी सर, हाँ तो समझ में आ गया, ये भी ऑप्शन की साइज कैसे नाप लेंगे। चलिए अब है इसमें तो हम बता दे रहे हैं, बाकी ये तो हम अपने डिजाइन में यूज नहीं करते क्योंकि तो हमें मैथ का काम करना ही नहीं रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को करना है तो फिर इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आवाज म्यूट कर लीजिए। अगला ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है सेगमेंट। यस, अगला इसी प्रकार से यहाँ पर आपको मिल जाता है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। ये हम डिजाइन में अपने नहीं यूज करते हैं, लाइन है कुछ और इसमें चीजें होंगी, फिलहाल ये हमारे यूज में नहीं है। जैसे ये मैथ का नहीं था वैसे ये भी नहीं है। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर, ये जितने ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन जो है हम अपने डिजाइन में यूज करते हैं, ये हमारे लिए सारे ऑप्शन इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन उससे पहले एक ऑप्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो छूट गया है, वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, आर्टिस्टिक मीडिया टूल, जिसका शॉर्टकट है आई। आर्टिस्टिक मीडिया टूल जैसे आप सिलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी बार में आपको इससे रिलेटेड ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है प्रीसेट का। प्रीसेट पर क्लिक करेंगे और सिंपली इंसर्ट करेंगे तो इस तरीके से आप डिजाइन इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसकी साइज अगर आपको कम या ज्यादा करने हो तो यहां पर आपको मिल जाता है स्ट्रोक वेड।
इससे यहां से आप साइज अधिक और कम कर सकते हैं। उसके बाद प्रीसेट में आपको यहां पर खूब सारे प्रीसेट मिल जाते हैं, जैसे अलग अलग तरीके का, जैसे सेलेक्ट करके आप चेंजिंग करते हैं तो यहां पर जितने भी प्रीसेट हैं सब आपस में बदलते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री वर्क हो गया है। जैसे आपने आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट किया, चाहे तो आप सीधा सीधा ड्रॉ कर लें इस तरीके से, और फिर बाद में भी आप इसको चाहे तो कर्व रूप दे सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, सेव टूल का इस्तेमाल करके इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहां पर आपको मिलता है एंकर पॉइंट। इस एंकर पॉइंट से आप इसको सीधा तिरछा कर सकते हैं, और फिर अगर इसका विड्थ आपको बढ़ाना हो तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट करेंगे और यहां से इसके विड्थ को आप बढ़ा सकते हैं।